हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज मैं आपको इस साल की सबसे बड़ी न्यूज़ के बारे में बताने वाला हूं। इस साल की सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि फ्लिपकार्ट बिक चुकी है। जी हां दोस्तों, फ्लिपकार्ट जो कि इंडिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स की कंपनी है, वो बिक चुकी है और उसे ख़रीदा है दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी ने, यानी कि वॉलमार्ट ने। जी हाँ, वॉलमार्ट दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है। अगर इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रिटेल स्टोर्स किसी कंपनी के पास हैं तो वो है वॉलमार्ट के। तो वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को ख़रीद लिया है। तो गाइज, फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट के बीच जो ये डील हुई है वो लगभग 16 बिलियन डॉलर में हुई है, यानी कि लगभग 1,04,000 करोड़ रुपए में। और फ्लिपकार्ट ने जो 16 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है उसमें से 12 बिलियन डॉलर उन्होंने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए हैं, यानी कि सॉफ्टबैंक, नेस्पर्स और फ्लिपकार्ट के जो को फाउंडर है सचिन बंसल, उन्हें भी। तो सचिन बंसल इस डील के बाद 6,500 करोड़ रुपए लेकर, लगभग 6,500 करोड़ रुपए लेकर वो कंपनी से बाहर हो जाएंगे। उनके पास 6.5% की शेयर थी जो कि उन्होंने वॉलमार्ट को बेच दिया है और वो इस कंपनी से अब बाहर हो गए हैं, पर बिनी बंसल इस कंपनी के साथ अभी भी बने रहेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि 77% शेयर फ्लिपकार्ट के वॉलमार्ट ने खरीद लिया है, तो बाकी के जो 23% शेयर है वो अभी भी बिनी बंसल के पास, टेंसेंट के पास, टाइगर ग्लोबल के पास और माइक्रोसॉफ्ट जो कि इन्वेस्टर्स हैं फ्लिपकार्ट के, वो उनके पास बने रहेंगे। यानी 23% शेयर जो है फ्लिपकार्ट के, वो बाकी के फाउंडर मेंबर और इन्वेस्टर्स के पास बने रहेंगे। दोस्तों, इस डील को करने के बाद वॉलमार्ट की तैयारी ये भी है कि वो फ्लिपकार्ट को वर्ल्ड के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करें, और अगर ऐसा होता है तो वो वॉलमार्ट को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इस कंपनी की वैल्यूएशन जो अभी है इससे भी कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वॉलमार्ट एक ऑनलाइन कंपनी नहीं है और फ्लिपकार्ट एक ऑनलाइन कंपनी है, तो इसके साथ ही वॉलमार्ट भी एक ऑनलाइन कंपनी का ऑनर हो जाएगा और साथ साथ वो अमेज़न को टक्कर देने के लिए हो सके तो फ्लिपकार्ट को वर्ल्ड लेवल पर भी लॉन्च कर सकती है। तो इस वजह से फ्लिपकार्ट की वैल्यूएशन भी बढ़ जाएगी, कंपनी की ग्रोथ भी हो जाएगी और अमेज़न को एक खासा अच्छा खासा टक्कर भी देने लगेगी। दोस्तों, ये जो डील हुई है ये लगभग इस साल के अंत तक पूरी होगी और वॉलमार्ट इस डील में दो और पार्टनर्स को लाने की तैयारी में है, जिसमें कि एक का नाम जहाँ तक सामने आ रहा है वो है अल्फ़ाबेट का। अल्फ़ाबेट गूगल की पेरेंटल कंपनी है जो कि शायद इस डील में वॉलमार्ट के साथ को पार्टनर बन सकते हैं और फ्लिपकार्ट को परचेस करने में उनकी भी शेयर हो सकती है। दोस्तों, इस डील से पहले ये बातें सामने आ रही थी कि फ्लिपकार्ट को अमेज़न खरीद सकती है। अमेज़न ने 60% शेयर्स को परचेस करने के लिए ऑफ़र भी दिया था फ्लिपकार्ट को, बट चूँकि वॉलमार्ट का ऑफ़र ज़्यादा अच्छा था, उन्होंने 77% शेयर परचेस करने के लिए ऑफ़र दिए थे और पैसे भी ज़्यादा दिए थे, इसलिए ये डील वॉलमार्ट के पास गई। तो दोस्तों, वॉलमार्ट इस डील के साथ ही वॉलमार्ट अब इस इंडिया में ई कॉमर्स सेक्टर्स को में बहुत बड़े बदलाव लाने की तैयारी में है। यानी कि इंडिया में पहले से ही अमेज़न और फ्लिपकार्ट के बीच में काफ़ी तगड़ी वॉर चल रही थी, क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स सेक्टर की कंपनी फ्लिपकार्ट थी और वर्ल्ड में सबसे बड़ी ई कॉमर्स की कंपनी इस वक्त अमेज़न है। तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट में वैसे ही बहुत बड़ी टक्कर चल रही थी, तो अब डिस्काउंट वॉर और भी ज़्यादा हो सकता है और कंज्यूमर्स के लिए हो सके तो और भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है, क्योंकि अब फ्लिपकार्ट और अमेज़न में डिस्काउंट को लेकर बहुत ज़्यादा वॉर हो सकता है। हो सकता है वहाँ जितने ज़्यादा डिस्काउंट मिले, अमेज़न चूँकि ऑलरेडी हमेशा ही डिस्काउंट लेके आता है और नए ज़्यादा डिस्काउंट्स देते रहते हैं अपने कंज्यूमर्स को, तो अब फ्लिपकार्ट भी इस दौर में शामिल हो सकता है और कंज्यूमर्स के लिए ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि इस डिस्काउंट में सबसे ज़्यादा फ़ायदा कंज्यूमर को भी होगा। हालांकि अभी इस बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि फ्लिपकार्ट क्योंकि वॉलमार्ट किस पॉलिसीज़ के साथ आया है वो अभी क्लियर नहीं हो पाया है, तो वॉलमार्ट से इस बात की उम्मीद ज़रूर लगाई जा सकती है कि वो ई कॉमर्स की हिस्ट्री में इंडिया में बहुत बड़े बदलाव लेकर आ सकता है, क्योंकि इंडिया ई कॉमर्स सेक्टर का बहुत बड़ा मार्केट है और फ्लिपकार्ट सबसे बड़ी कंपनी थी जिसके पास 20 करोड़ से भी ज़्यादा रजिस्टर्ड यूज़र्स थे फ्लिपकार्ट। तो गाइज, अभी के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब हमारे चैनल को, क्योंकि हम आगे भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए और लाते रहेंगे। फ्लिपकार्ट के बारे में फिलहाल इतनी जानकारी है और जैसे ही कोई आगे जानकारी मिलती है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तब तक के लिए, विद फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ थॉट, दिस इज वैसे।